बाबा को तो हर बच्चे के मस्तक पर तीन लकीरें चमकती दिखाई देती हैं। परमातम पालना के भाग्य की लकीर, परमातम पढ़ाई के भाग्य की लकीर और श्रेष्ठ मत की प्राप्ति के भाग्य की लकीर। लेकिन बाबा पूछते हैं कि क्या हमें भी वो भाग्य की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं? बाबा को तो दिखता है कि बच्चों जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है, लेकिन क्या बच्चों को ये रियलाइज़ होता है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ? कौन कौन सदा इस नशे में रहते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ? रहते हैं सभी, सदा इज़ इम्पोर्टेंट, सदा इम्पोर्टेंट है। तो सदा अपनी वो जो तीन भाग्य की लकीरें हैं वो दिखाई दें, इसका मतलब सदा स्मृति में रहें कि मेरे जैसे परमात्म पालना के अधिकारी कोई आत्मा नहीं दुनिया में। आप देखो, दुनिया में हर एक मनुष्य को माता पिता होते हैं, लेकिन वो माता पिता कोई ज्ञान स्वरूप पवित्र पालना या शक्तिशाली पालना नहीं देते, है ना? क्योंकि ना तो वो ज्ञान सागर है, ना ही वो पतित पावन है और ना ही वो सर्वशक्तिवान है। और बाबा की जो पालना है वो कैसी है? ज्ञानयुक्त पालना है। बाबा लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे को कहें कि कुछ भी करो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, है ना? बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे ये करेंगे तो ये होगा, इसलिए उस बात से हमें बचना है। और बाबा हमें सिर्फ समझ नहीं देते, शक्ति भी देते हैं। मैं अभी किसी को पीछे कोर्स करा रही थी तो मुझे कहते हैं कि मुझे कर्मों का ज्ञान नहीं सुनना, मुझे कर्मों का ज्ञान सुनने से डर लगता है, क्योंकि लगता है अच्छा हमेशा कुछ भी उल्टा हो गया तो फिर वो वापस आएगा। तो मैंने कहा आप पता है कैसी बात कर रहे हो, जैसे कोई कहे कि मुझे सड़क पे ड्राइव करना है लेकिन ड्राइविंग नहीं सीखनी, है ना? क्योंकि मुझे टेंशन होती है, स्टीयरिंग पे ध्यान देना है, ब्रेक पे ध्यान देना है। अब क्या है, गाड़ी ड्राइव करोगे और अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, सीखना ही पड़ेगा। तो हम भी जीवन यात्रा पर हैं, हम चाहें ना चाहें, वी आर ऑलवेज एट रिस्क। अगर हम कर्म की गति को समझकर जीवन यात्रा में नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। तो बाबा हमें ये ज्ञान युक्त पालना देते हैं। बाबा कभी हमें ऐसे फॉल्स आइडियाज़ नहीं देते कि तुम, है ना, कुछ भी करो तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, जैसे दुनिया में होता है ना कि दूधो नाओ पूतो फलो, है ना, और आशीर्वाद ही आशीर्वाद। लेकिन बाबा कहते नहीं, मेरी आशीर्वाद जो है वो मेरी जो मत है या जो पालना है वही मेरी आशीर्वाद है। तो जो उस पर चलेंगे वो आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। तो बाबा हमें जो ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप पवित्र पालना देते वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते, आज आप दुनिया में किसी को भी पूछो कि आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, आत्माएं कहाँ से आती हैं कहाँ जाती हैं, है ना, ये बातें किसी को भी नहीं पता। मुझे याद है दुनिया के एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति एक बार आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर आप वो उत्तर दे देंगे तो मैं कोर्स करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रश्न है आपका? तो कहते कि ये जो इतनी पॉपुलेशन है ये बढ़ती रहती है तो ये सब आते कहाँ से हैं? तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमारा थर्ड चैप्टर ही है।
ये परमधाम निवासी हैं, आत्माएं वहाँ रहती हैं और फिर आकर यहाँ शरीर धारण करते। तो कहते मैंने कितनों को ये प्रश्न पूछा होगा ना, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते, पर आज मुझे इस प्रश्न का किसी ने उत्तर दिया। हाँ वो अलग बात है कि मैं इस पर विचार करूँगा, लेकिन मुझे किसी ने उत्तर दिया ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी कहते थे ये तो इम्पॉसिबल है पता करना। तो बाबा कहते दुनिया में जिन बातों को नेति नेति कहते हैं, आत्मा क्या, परमात्मा कौन, हम कहाँ से आते कहाँ जाते, आदि मध्य अंत क्या है, वो पढ़ाई हम बच्चों को मिली है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आपके पास उत्तर नहीं है। आप इस बात के नशे में रहते हैं, है ना। बाबा कहते कितना भी धर्मात्माएं हो, साधु हो, संत हो, महात्माएं हो, उनसे भी ज़्यादा बाबा ने हमें पढ़ाई पढ़ाई है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, जिससे तुम कर्म बंधन को कर्म संबंध में बदल सकते हो, है ना। और बाबा ने सबसे ऊंची श्रीमत क्या दी है, हर कर्म बाबा की याद में करो। जब हम कर्म योगी बनते हैं, जब हम हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, बाबा के साथ डायरेक्ट कर्म, हर एक के साथ इनडायरेक्ट, हम बाबा की याद में निमित्त भाव में हर एक के साथ कर्म में आते, संबंध में आते, तो या कोई भी काम हम हाथों से भी करते तो हमारी बुद्धि में क्या है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं बाबा की याद में बाबा की मत पर ये कर रही हूँ, तो हम कर्म बंधन से छूट जाते, कर्म संबंध में आ जाते। जब हम कर्म बंधन में होते हैं तो एक एक कर्म हमें दुख देने के निमित्त बनता है, है ना। जैसे ही आप मैंपन मेरेपन में कोई भी काम करेंगे, है ना, छोटे से झाड़ू ही लगाएंगे, बहुत मैंपन में कोई चल कर आ गया तो कितना इरिटेट होंगे, है ना। जितना सुख नहीं मिला सफाई करने का उतना दुखी हो गए, है ना। प्लस विकर्म भी बना लेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ करते तो हो नहीं, उल्टा कोई कर रहा है तो उसमें भी पाँव लगा के तुम्हें ख़राब कर देना। तो आप विचार करो कि आज मनुष्य जब भी मैंपन मेरेपन में कर्म करता है तो कर्म सुख का बीज बोने की जगह कितना दुख का बीज होता है, है ना। खुद भी जलता है, दूसरे को भी इतना ताव दिखाता है कि उसको भी लगता है ये बैठ ही जाए तो अच्छा है, क्या ज़रूरत है इनको इतना काम करने की। तो कर्म बंधन कैसे बनते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं जब हम कर्म योगी बन बाबा की याद में निमित्त भाव से ना कर्म की ओनरशिप लेते, ना हम फल की ओनरशिप लेते, हम निमित्त भाव से निमित्त मात्र बाबा की याद में जब कर्म करते हैं तो वो कर्म संबंध होता है। माना हर कर्म हमें सुख देता है, क्योंकि हमें सुख किस चीज़ का मिल रहा है, कर्मयोगी अवस्था का। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर्म कैसा हुआ, उसका फल क्या निकला, लेकिन मैंने बाबा की याद में कर्म किया उससे मुझे प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होती। तो बाबा हमें कहते इतनी सुंदर विधि कर्म करने की एक शिव बाबा ही अपने बच्चों को सिखाते हैं, है ना। आज दुनिया में हर कोई जो जितना काम कर रहा है वो उतना स्ट्रेस्ड है ना। और बाबा कहते हैं तुम जितना काम करते हो उतने लाइट होते जाते, है ना। दुनिया में जो जितना बोलता है उतना थकता है, हम जितना बोलते हैं उतने शांत होते हैं क्योंकि हम शांति में बाबा की याद में ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी सुंदर विधि सिर्फ एक शिव बाबा हमें सिखाते हैं, लेकिन इसको हमें बुद्धि में स्मृति में रखना पड़ता है कि कितना ऊंचा मुझ आत्मा का भाग्य है कि ये भाग्य की तीन रेखाएं मेरे मस्तक पर
निरंतर चमकती रहती हैं। और अगर स्मृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना। मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, भूल गए तो कुछ है? कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे भाग्य की प्राप्ति होते भी अगर स्मृति नहीं है तो आप सोचो, मैं ब्राह्मणों के मुख से भी सुनती हूँ डिप्रेशन लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, है ना। ऐसे शब्द कैसे निकलते हैं? क्योंकि भाग्य की स्मृति भूल जाती है। स्मृति भूल गई तो जैसे साधारण हो गए ना। तो बाबा हमें ये पहले स्वमान में, स्मृति स्वरूप में स्थित करते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ब्राह्मणों का मनाना माना बनना, और हमें बाबा क्या बना रहे, होलीएस्ट, हमारे जैसा पवित्र और कोई नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा, तुम तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान, ऐसी तुम आत्मा पवित्र बनने वाली हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी पवित्रता की स्मृति रहती है कि हम होलीएस्ट आत्मा हैं। और बाबा कहते हैं अगर ऐसा होलीएस्ट बनना है तो फिर किस बात पर अटेंशन देना होगा, हा? जो अपने अंदर आजकल कमी कमजोरियां आ गई हैं, वो पहली कमज़ोरी बाबा कहते हैं अलबेलापन की। आज अलबेलापन बहुत हो गया है। क्या होता है अलबेलापन? मनमर्जी चलता है, हाँ। अलबेलापन कैसे आता है? आलस से आता है। देखो हो जाएगा, कर लेंगे, वो क्यों आता है? ऐसे थॉट्स कैसे आते हैं? देखो आज बाबा ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा हमें, तुम्हें अपना भविष्य स्वरूप दिखाई देता है? जैसे बाबा ने हमें तीन चमकती भाग्य की लकीरों के लिए पूछा, ऐसे बाबा ने भविष्य स्वरूप के लिए भी पूछा कि क्या तुम्हें अपना भविष्य स्वरूप दिखाई देता है? दिखाई देता है, चित्र बनाते हो, कैसा है भविष्य स्वरूप? वर्णन करो थोड़ा, कैसे हैं भविष्य के नयन, कैसे है? तो शांत है और शीतल है, नैनों में स्नेह है, सम्मान है हर एक के प्रति, है ना। हाँ लेकिन वो कैसे होते हैं? वो आप सोचो कैसे होते हैं, ऐसा नहीं। अपना भविष्य स्वरूप मुझे बुद्धि में पेंट करना आना चाहिए। बाबा ने कहा ना कि तुम आर्टिस्ट हो, हम कौन है, 16 कला संपूर्ण। तो हमें बुद्धि में वो भविष्य स्वरूप की छवि बनानी आनी चाहिए। अगर हम भविष्य स्वरूप नहीं बना पा रहे अपना, तो अभी हमें 16 कला संपूर्ण की, मानो एक आपको स्थूल में भी पेंट करना नहीं आता, लेकिन एक आर्टिस्ट आपको दे दें तो आप उसको ऐसा वर्णन करके सुना सकते हो कि वो एग्जैक्ट वो छवि बना दे, है ना। आप देखो दुनिया में, मैं कभी कभी वंडर खाती हूँ, वो जो क्रिमिनल्स की फ़ोटो बना लेते हैं, है ना, एकदम से वो जैसा जैसा वर्णन करेगा वो बना लेते हैं। तो इतने सुंदर आर्टिस्ट हैं दुनिया में, हमें कोई वो आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम पेंट कर सकें, ड्रॉ कर सकें, स्केच कर सकें, लेकिन हमारी बुद्धि में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे भविष्य नयन ऐसे हैं, मस्तक ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा मुख ऐसा है, मेरी छवि ऐसी है, वाइब्रेशन ऐसी है,
कि किसी को भी वर्णन करें, अपना तख्त, अपना जो ताज है उसका वर्णन करें या अपने श्रृंगार का वर्णन करें, तो उसको हूबहू वो चित्र में अंकित कर सके। ये जो सारे चित्र बने, ये कैसे बने? कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार थोड़ी हुए, बच्चों को साक्षात्कार हुए और बच्चों ने वर्णन किया, इतना क्लैरिटी से वर्णन किया कि चित्रकार ने इतने अच्छे क्लियर चित्र बनाए। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अपना भविष्य स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। तो इतना स्पष्ट है मेरा भविष्य स्वरूप, आज शाम तक इस पर मनन चिंतन करके, आज संडे ना, तो आज ये होमवर्क करना है, इस भविष्य स्वरूप की पूरी छवि आप वर्णन करके भेजना है ना। और जिसने नहीं भेजा तो समझा जाएगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भविष्य स्वरूप की छवि अपनी बनाना। और बाबा हमें कहते हैं जब हम भविष्य स्वरूप को देखते हैं तो सिर्फ स्थूल स्वरूप तो नहीं देखेंगे ना, अपना पद भी दिखाई देगा, है ना। कहाँ बैठे हो, गद्दी पे नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे हो, सब तो दिखाई देगा ना, क्योंकि स्वरूप भी एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। या हम श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले हैं, रहने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, या कभी कभी विजिट करने वाले हैं, या हम वो हैं जिनको एंट्री भी नहीं मिलती है महल में, है ना। तो वो सारी चीज़ें विचार में लाओ कि क्या हमारा स्वरूप है, क्या हमारा वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ हम सतयुग में रहेंगे। क्योंकि सतयुग में तो हम अकेले नहीं रहेंगे ना, हम एक संदर्भ में रहेंगे। तो मेरा वो संदर्भ क्या है, मेरे आसपास कौन होंगे, है ना। क्या मैं स्वयं को इतना ब्रह्मा बाबा के नज़दीक अनुभव करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण बनेंगे तो मैं आत्मा उनके अंग संग रहूँगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर अभी ही बाबा का राइट हैंड नहीं बने हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अभी राइट हैंड बन के चलते हैं तो फिर वो आता है कि जब आज बाबा के साथ साथ चल रहे हैं तो कल भी आएंगे। तो स्वरूप, वो कॉन्टेक्स्ट अपनी बुद्धि में क्लियर लाना है, है ना। और हर एक को अपनी ये जो छवि की क्लैरिटी करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने भविष्य स्वरूप को देख ही नहीं पा रहे तो बनेंगे क्या? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनो। अब मेरा जो देवताई स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण बनो माना देवता बनो, है ना। तो जब मुझे अपना देवताई स्वरूप स्पष्ट होगा तब तो मैं देखूंगी ना कि मैं देवताई स्वरूप के कितने नज़दीक पहुंची हूँ, कि लक्षण को किससे मैच करना है, लक्ष्य से। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण क्या आएंगे, लक्षण। हाँ, तो अलबेलापन कैसे आता है पता है? जब कोई लक्ष्य नहीं होता। अलबेलेपन का बीज होता है लक्ष्यहीनता। जब कोई लक्ष्य नहीं होता ना, जब ये पता ही नहीं कि मुझे क्या बनना है, तो हम थोड़ा कुछ करते हैं ना, हमें लगता है बहुत कर लिया, है ना। मुझे एक बार एक बहन आई कोर्स करने, तो मुझे कहती कि मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है दो दिन में ही कि मैं यहाँ आना कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चार दिन के बाद और आई नहीं, तो मैंने उसको पूछा आप क्यों नहीं आए, कहती चार दिन में इतना अच्छा लगा ना दीदी, कि लगा अब तो जो पाना था वो मिल गया, है ना। तो क्यों मिल गया? क्योंकि लक्ष्य क्या था, बस ये जो अंदर बहुत हलचल हो रही है थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा शांत फील हो, वो फील हुआ तो लगा कि अच्छा यही है। तो लक्ष्य के हिसाब से, अगर लक्ष्य इतना छोटा है तो बहुत
थोड़ी प्राप्ति में ही कैसा लगेगा, जैसे यहाँ तक फुल हो गए, फिर और पुरुषार्थ थोड़ी होगा। इसको कहते हैं कंप्लेसेंसी, है ना। माया जो तृप्ति का अनुभव कराती है ना कि बहुत हो गया, तुम तो इस लायक भी नहीं थे, इतना मिल गया, बहुत ही खुश रहो, है ना। तो ये जो कंप्लेसेंसी है, ये आती है जब हमें लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे बाबा क्या बनाने आए हैं और मैं आत्मा क्या बन सकते हूँ। तो थोड़े ही मिलने में ही हमें लगता है अच्छा ये तो बहुत हो गया, और फिर आता है अलबेलापन, है ना, क्योंकि अटेंशन ही नहीं है कि पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ के लिए जो तड़प होनी चाहिए वो तड़प दिखाई नहीं देते। तो एक कारण ये होता है कि हम लक्ष्यहीन हैं, है ना। दूसरा कारण क्या होता है, बाप को देखने के बजाय दूसरों को देखते हैं, है ना। बाबा को देखने के बजाय क्या देखते हैं, वो जो बैठा है, वो जो कुछ नहीं कर रहा, वो जो उल्टे काम कर रहा है, उसको देखेंगे और संकल्प क्या चलाएंगे, उनसे तो हम अच्छे ही हैं ना। वो देखो 20 साल वाले का क्या हाल है, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं, वो तो क्लास भी नहीं आता, हम तो क्लास तो आते हैं ना। लेकिन पूछो अपने आप से, क्या हम उसके जैसा बनने आए, क्या मेरी मंजिल वो है। लेकिन अगर अपने लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या बनने आए हैं, तो किसको देख रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहा उसको देख के, उससे तो हम अच्छे ही हैं, उससे तो हम अच्छे ही हैं, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, और खुद के कर्म बिगाड़ते जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो जब लक्ष्य नहीं होता तो ये अलबेलापन आता है। इसलिए सिर्फ अपने भविष्य स्वरूप को देखकर पुरुषार्थ करना। अपने आप से पूछो कि जो मुझे बनना है, क्या हम वो बन गए, क्या हम उसके नज़दीक भी पहुँचे हैं, क्या मेरे नैन वैसे बन गए, क्या मेरे मुख से वैसी भाषा, वो मधुरता दिखाई देती है, क्या मेरा चेहरा वैसा हर्षित मुख दिव्य बना, क्या मेरे कर्म ऐसे सुखदाई बने हैं, क्या मुझे सचमुच मैंने पुण्य का खाता इतना बनाया, इतना मैं राइट हैंड बन गया कि मैं बाबा के साथ राजधानी में नंबर वन में आऊं। क्योंकि जहां पर ये क्लैरिटी नहीं होती तो वहां फिर अलबेलापन आने लगता है, और अलबेलेपन से फिर आलस्य आता है, है ना। क्योंकि जैसे संकल्प वैसा शरीर भी फील करता है, थोड़े में टायर्ड हो जाएंगे, है ना, थोड़े में लगेगा बहुत कर लिया। तो ये जो दूसरों को देखते हैं या अपने अंदर ही समझ नहीं है कि क्या बनना है, क्या करने आए हैं, उससे अलबेलापन आता है, उससे कंप्लेसेंसी आती है। हाँ? लक्ष्य होना माना मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये बनूंगा और मुझे बाबा बनाने आए। जैसे बाबा ने आज कहा ना, राजयोगी है तो राजधानी में आएंगे, मैं राजयोगी आत्मा हूँ तो मुझे राजधानी में आना है, मुझे इतना मेरा भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ऊंच पद पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मूर्ति। और फिर ये भी नहीं कि उसको देखकर खुश होकर गद्दा पकड़ के सो गए, फिर उसको देखकर ये मैच करना है कि अभी कितना बन गए, और फिर जो कमी है उसको पूरा करना है। और ये अलबेलापन जो आता है ये अन्यों को देखने से आता है, है ना। और फिर क्या चलता है, चलता है, बाबा ने कहा ये तो स्लोगन हो गया है, चलता है ना। मैंने एक बहन को बोला कि दादियों की कहानियाँ पढ़ा करो, है ना, दादियों को के पुरुषार्थ की कहानियाँ पढ़ा करो, बाबा के जीवन कहानी पढ़ा करो, तो सिर्फ मुरली पढ़ती है। तो मैंने कहा मुरली पढ़ने से आपको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे कैसा बनना है,
आपको प्रैक्टिकल जीवन में क्या हमारे गुण होने चाहिए, क्या एक ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार की जो धारणाएं होनी चाहिए, हमारा क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, उसकी कोई इमेजरी ही आपकी बुद्धि में नहीं आ रही। तो जब तक वो बुद्धि में ही नहीं आएगा कि हमें अथकपन क्या होता है ना, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हम थक गए तो माना हम अथक हैं, हम सारे दिन इधर से उधर घूम रहे हैं माना हम अथक हैं। अथकपन क्या होता है, या सेवाधारी बनना क्या होता है, या समर्पण क्या होता है, उसको भी तो एक इमेज चाहिए ना। तो जब तक हम बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखें, जब तक हम दादियों को नहीं देखें, कैसे देखेंगे? जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझने की कोशिश करेंगे उन चरित्रों को, तो जब हम वो पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुद्धि में आता है एक ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। तब तो आप अपने ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बनाएंगे ना। जब हम योग में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो हमें एक परफेक्ट ब्राह्मण कैसा होता है कैसे पता चले? बस कमल आसन पे बैठ के चमकता रहता है? हाँ, हम तो फिजिकल इमेज बना लेते हैं ना, कमल आसन पर बैठा है, चमक रहा है। वो कमल आसन क्या है? कीचड़गांव है आपका। तो उस कीचड़ के बीच में जो कमल आसनधारी बने, उनके जीवन को, व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को समझा ही नहीं तो कैसे बनेंगे? वो छवि बुद्धि में ही नहीं आती कि मुझे ऐसा ब्राह्मण बनना है, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही जो हमारा ब्राह्मण स्वरूप है, जो हमारा देवताई स्वरूप है, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। फरिश्ता स्वरूप मेरी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। ये तीनों ही भविष्य स्वरूप हुए ना, मेरा परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा देवताई स्वरूप। जब तक मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं तो मैं पुरुषार्थ किस लक्ष्य से करूं? और जब ये नहीं होता तो फिर अलबेलापन आता है, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, हमारे जितना कोई करके दिखाए, है ना, हमने तो बहुत कर लिया, फिर भी आजकल तो कोई करता भी कहाँ है। तो ये बातें कहाँ से आती हैं? ये आती हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बनने आए हैं, क्या करने आए हैं। तो यहाँ से आता है अलबेलापन। और बाबा कहते हैं इस अलबेलेपन से अब हमें छूटना है। और फिर बाबा यहाँ तक आज कहते हैं कि कईयों को धीरे धीरे जब अलबेलापन चरम सीमा पे पहुँच जाता है तो क्या आता है कि कम से कम यहाँ तो मौज मना लें, कल तो पता नहीं क्या होगा, क्या बनेंगे, किसने देखा है, कौन किसको पहचानेगा, है ना। कम से कम यहाँ तो मौज मना लें, क्योंकि धीरे धीरे एक विकार अनेक विकारों को खींच कर लाता है और हर एक को ऐसा लगता है कि इतना है ना विकार, यही रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन विकारों की गति ऐसी है कि शुरू होती है तो कहाँ जाकर ख़त्म होगी आपको पता भी नहीं, है ना। वही आत्मा जो आज लग रहा था बस ढीली हुई है थोड़ी, है ना, वो धीरे धीरे कहाँ मिलते हैं? मंदिर में मिलते हैं फिर, है ना। फिर धीरे धीरे कहाँ मिलते हैं? शराब पीते कहीं दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये हाल हो जाता है। जैसे जैसे अलबेलापन बढ़ेगा तो एक स्टेज आती है जहाँ पर लगता है कि अच्छा आप गिर तो रही हैं, कम से कम यहीं का तो एंजॉय करें, आगे किसने देखा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अलबेलेपन से सावधान। अलबेलेपन से ऊपर कैसे उठते हैं? रोज अपने भविष्य स्वरूप को देखकर अपने लिए पक्का करें कि मुझे आज ये गुण धारण करना है, मुझे ये अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़ लानी है, और सारे दिन उस पर अटेंशन देकर निरंतर पुरुषार्थ करें। अपने पुरुषार्थ में वो तड़प, वो तेज़ी लानी पड़ेगी, है ना। इसलिए तो आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा ना कि
अपने भविष्य स्वरूप को देखकर तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो रोज अपने लक्ष्य को कि मुझे अपने भविष्य स्वरूप के अनुसार ये गुण ये शक्ति धारण करनी, और उसको धारण करने में अपना सारा अटेंशन पूरे दिन लगाना है ना। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं किसी की हम सेवा करते हैं तो सेवा करते हुए हमारी स्थिति कैसी हो कि हम अपनी अवस्था से उसको प्राप्ति भी करा रहे और फिर वाणी से उसको परिचय भी दे रहे। क्योंकि बाबा कहते देखो कभी कभी ऐसा विचार चलता है, और मुझे तो बहुत आजकल ये आता है, जिन आत्माओं को बाबा का ज्ञान नहीं, जो बाबा से संबंध अनुभव नहीं करते, उनके जीवन में कितना भय है ना, बहुत भय है। और उस भय में, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्कमस्टांसेस तो सबके लिए सेम है, लेकिन जब एक आत्मा को बाबा का परिचय नहीं होता तो उसको कितना भय, कितने गुणों शक्तियों की कमी होती है, उस कारण से ना वो समझ पा रहे हैं, ना वो किसी चीज़ से डील कर पा रहे हैं, छोटी चीज़ कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन से दूसरे दिन तक हिम्मत नहीं रख पाते, सुसाइड कर देते। तो आप सोचो कि हर आत्मा को आज ज्ञान धन की, हर आत्मा को शांति की, बाबा से संबंध के बल की कितनी आवश्यकता है। और बाबा कहते हैं कि कई आत्माएं जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, देखो जब हम सेंटर पर बैठते हैं तो कईयों को रिजर्वेशंस भी होते हैं, कई नहीं आते सेंटर तक, लेकिन आप लोग तो फिर कर्म क्षेत्र में जाते हो, वहाँ पर जब आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं तो अगर उस अवस्था में रहें जहाँ किसी को वाणी से दो बोल सुनाए तो उसको शांति का भी साथ में अनुभव हो, स्नेह का भी हो, तो वो आत्मा शिव बाबा को पहचानेगी वहाँ से, है ना। और वो जो वाइब्रेशन से जो सेवा होती है, क्योंकि कोई भी आत्मा वाणी से नहीं समझती, जब हमारी अवस्था में वो स्नेह, वो शांति, वो सुख होता और आत्मा को, या शक्ति होती और आत्मा को लगता कि हम तो खाली झोली के साथ आए थे, लेकिन इनसे मिलकर ऐसा लगा कि कुछ प्राप्ति हुई, तो धीरे धीरे वो प्राप्ति द्वार बनती है जिससे वो फिर शिव बाबा को पहचानने की मेहनत करती है। और आप सोचो एक आत्मा को बाबा मिल जाए तो उसका तो वर्तमान भविष्य सब बन गया ना। तो बाबा कहते इतना हमें अपनी अवस्था पर अटेंशन रखना चाहिए, चाहे आप किसी को साधारण ही बोल दे रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में ही कोई सल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उस सल्यूशन के साथ उसको शांति प्रेम का अनुभव भी तो होना। चाहे आप उसको कोई स्पिरिचुअल सल्यूशन नहीं दे रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल सल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उस सल्यूशन के साथ भी उस आत्मा को आप ये अनुभूति करा सकते हैं कि आज मुझे कुछ इनसे मिला। और जब वो होता है तो आत्मा को फिर बाबा की तरफ अट्रैक्शन होती है और वहाँ से वो यात्रा शुरू होती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें अब मर्सीफुल बनना है। और मर्सीफुल जो होता है ना, उसकी पहली निशानी क्या होती है, वो अपना स्टॉक फुल रखता है, क्योंकि उसको देना है तो देने के लिए पहले अपनी स्टॉक फुल होगा, तब तो हमेशा दे सकेंगे। तो बाबा कहते बस ये नहीं सोचो कि हम संपूर्ण होके चले जाएं, अपनी अवस्था ऐसी बनाओ। या कई सोचते हैं हम तो संगम युग में बैठे हैं, क्या ज़रूरत है हमें संपन्न बनने की, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। तुम्हारा तो अच्छा चल रहा है पर दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है। तो बाबा कहते खुद संपन्न बने, मुक्ति के गेट खोलें, हर आत्मा को भी झोली भी भरे और फिर उसको वापस ले जाने के लिए निमित्त भी बने, ये जिम्मेवारी हमें उठानी है। फिर बाबा हमें व्यर्थ पर भी अटेंशन खिंचवाते
और बाबा हमें निर्मानता के गुण पर आज बहुत अटेंशन खिंचवाते। अब निर्मानता का गुण क्या है? तो हमारे अंदर देहाभिमान की दुनिया में एक प्रोग्रामिंग है। क्या प्रोग्रामिंग? कि हमें पात्र को स्नेह और सम्मान देना है। हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं ना, दिस वन डजंट डिज़र्व रिस्पेक्ट, डिज़र्व लव। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, क्या कहें, मिस्टेक है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं स्नेह और सम्मान में पात्रता लेने वाले की नहीं होती, देने वाले की होती। अगर हम स्वमानधारी नहीं हैं तो हम कहेंगे ये सम्मान का पात्र नहीं, लेकिन अगर हम स्वमानधारी हैं तो हमें मालूम है कि स्नेह सम्मान देना मेरी क्वालिटी। निर्माण होना माना हर एक को स्नेह सम्मान सदा दे पाना, और ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये अपनी गुण की बात है। अगर मेरे अंदर निर्माणता का बीज क्या है? स्वमान। जब अपने अंदर स्वमान है ना कि मैं कौन हूँ, मैं तो दाता की संतान हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा माना हर एक आत्मा मेरा भाई बहन है। तो हर एक जिसको स्मृति है मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ खड़ा हूँ, वो तो सदा सम्मान और स्नेह देगा ना। और जब खुद विस्मृत हैं तो कैसे सम्मान देंगे? तो स्नेह सम्मान देने की पात्रता सामने वाले से जज नहीं की जाती, ये अपने गुण और अपनी धारणा के ऊपर है कि हम कितने स्नेह सम्मान से चलते। और बाबा कहते ये जो निर्माणता का गुण है ना, यही महान बनाता है ना। मुझे अभी एक पीछे भाई आए थे, वो कहते मैं 35 वर्ष पहले ज्ञान में आया था। तो मैंने कहा कि आप कैसे आए थे? अभी भी बहुत, मतलब 35 वर्ष हो गए, लेकिन बहुत अच्छे राइट हैंड बन के आज भी चलते हैं। तो मैंने उनको पूछा आप ज्ञान में कैसे आए थे? तो कहते मैं इनकम टैक्स में ऑफिसर था, तो मधुबन हम गए थे ऐसे प्रोग्राम में, कहीं हमें इनवाइट किया गया था। तो जब मैं गया ना तो गेट पर प्रकाशमणि दादी जी खड़े थे वेलकम करने के लिए। तो वो कहते कि चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज गेट पर खड़े थे हमें वेलकम करने के लिए, मैं तो वहीं सरेंडर हो गया। वो कहते वो दिन है और आज का दिन है, मैंने और किसी को नहीं देखा। वो कहते भले ही हमने, ऐसा नहीं है हमारे सामने कोई और बातें नहीं आई या हमने कोई कम पुरुषार्थियों को नहीं देखा, सब कुछ देखा, लेकिन वो दृश्य जो है ना वो मेरे को आज तक चलाता है कि मुझे ना इसके जैसा बनना है ना उसके जैसा बनना है, मुझे तो उसके जैसा बनना है जिसने मुझे रिसीव किया था जब मैं पहली बार आया था। तो आप सोचो कि निर्मानता का गुण कितना बड़ा गुण है, कि एक आत्मा को, जो आज बाबा कहते हैं कि एक आत्मा को निर्मानता का गुण स्नेह का अनुभव करा देता है, सहयोगी बना देता है ना। और बाबा कहते हैं निर्माण बनते बनते आप खुद ही निरहंकारी बन जाते, सम्मान देते देते अपने आप ही अभिमान खत्म हो जाता है। हमें कभी कभी लगता है ना अभिमान ऐसे योग में गला देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं। हर एक को सम्मान स्नेह देते 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 अभिमान खुद ही गल जाता। और बाबा कहते संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, हर एक चीज में निर्माणता ना। संकल्प में ईगो, वाणी में निर्माणता, ऐसा नहीं चले। कर्मों में निर्माणता नहीं, कर्मों में निर्माणता कैसे होती है ना? कर्म करते समय
आप पहले आप, है ना, सम्मान मैं दे दूंगा। मैं सम्मान दे रहा हूँ, काम आप करो। नहीं, निर्माणता माने पहले आप हर चीज़ में, सम्मान भी किया है ना, कर्म का क्रेडिट भी दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बस काम कराओ और है ना दूसरे का क्रेडिट खुद रखो, या क्रेडिट भी दे दिया पर कर्म में निर्माणता नहीं। पहले करके फिर एग्जाम्पल सेट करो, चाहे वो संकल्प में मान देना हो, वाणी में देना हो, कर्मों में देना हो, चाहे संबंध संपर्क में करना हो, तो ये निर्माणता का गुण। तो बाबा हमें कहते हैं निर्माणता ही महानता है, निर्माणता ही निरंकारी बनाती है, निर्माणता ही हर एक के प्रेम का पात्र बनाती है, निर्माणता ही कैसी भी आत्मा हो उसको स्नेही सहयोगी बना देती है, चाहे कितनी भी कठोर हो, कड़े संस्कारों वाली हो। बाबा कहते हैं कि निर्माणता स्नेही सहयोगी उसे बना देती, और बाबा कहते हैं निर्माणता वाला किसी के साथ भी चल सकता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको झुकने में प्रॉब्लम नहीं है। और बाबा कहते हैं झुकना ही झुकाना है ना, आप एक बार झुकेंगे तो सामने वाला भी झुकेगा। तो ये निर्माणता के गुण को आज बाबा बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं, और व्यर्थ से मुक्त होकर मुक्ति वर्ष भी मनाना है। ओम शांति।